नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे बांसुरी स्वराज के बारे में, कि इनके आने वाला टाइम कैसा है। तो इसके लिए मैं अपने स्टूडियो में बुलाना चाहूंगी रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो एस्ट्रो पॉइंट में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम बिहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड, आज है 25 सितंबर, वेडनेसडे, और ये वीडियो ठीक 4 दिन बाद अपलोड होगी, 29 सितंबर 2024 संडे को। 3 जनवरी 1984 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 12 PM हमने इंटरनेट से लिया है। ये हमारी अपनी कैलकुलेशन है, आप इसको फॉलो करें या ना करें आपकी अपनी मर्जी है। और क्वेश्चन फिर ही वही है कि इनका आने वाला टाइम कैसा है। चलिए पॉइंट्स में पढ़ देती हूँ। लगन है पाइसेस मीन, ये फर्स्ट हाउस लगन होता है। 12 नंबर लिखा हुआ है, लगन है पाइसेस मीन, जो कि जुपिटर गुरु को डिनोट करता है। चंद्र लगन है सजिटेरियस, चंद्र लगन मून साइन है सजिटेरियस धनु, जो कि गुरु जुपिटर को डिनोट करता है। सूर्य लगन है सन साइन है जुपिटर सजिटेरियस, जो भी गुरु गुरु को डिनोट करता है। जनता सत्ता हाउस वेरी स्ट्रांग, जनता का जो सत्ता हाउस है 10th हाउस है, बहुत स्ट्रांग है। जुपिटर ट्रिपल असेंडेंट है, इज प्लेस्ड इन ऑन सत्ता हाउस। जुपिटर जो है ट्रिपल असेंडेंट हो गया और अपने ही हाउस में प्लेस्ड है। गुरु यहाँ पे और गुरु की राशि भी है, ट्रिपल असेंडेंट हो गया। सूर्य राशि भी यही है, चंद्र राशि भी यही है और लगन भी यही है, और जनता का हाउस देख रहे हैं। तो कैसा रहेगा इनका आने वाला टाइम? दोस्तों, अब ये बांसुरी स्वराज की जो कुंडली हम लोगों ने बनाई है, ये बेसिकली दोस्तों ने पहली इसकी जो कुंडली हम लोगों ने बनाई थी, इनकी कुंडली दोस्तों बनाई थी 2024 चुनाव से पहले, जब इनको कैंडिडेट घोषित किया गया था नई दिल्ली से। दोस्तों तब दोस्तों मेरी रील थी एक मिनट की, उसमें मैंने एक बात कही थी कि ये जीतेंगे और कंफर्टेबली जीतेंगे। दोस्तों एग्जैक्टली वैसा ही रहा, दोस्तों ये जीती और अच्छे खासे मार्जिन दोस्तों जीती। तो अब मेरा बनाने का मेन मकसद क्या है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियोज बनाई थी, आम आदमी पार्टी की बनाई दोस्तों, और दोस्तों आतिशी मारिना की बनाई केजरीवाल जी की। तो उसमें मैंने बार बार एक बात कही थी, अगर बीजेपी किसी को घोषित करती है सीएम पे दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के चुनावों में दोस्तों, तो बीजेपी के चांसेस बनते हैं जीतने का, वरना नहीं बनेगी, वरना वन साइड दोस्तों गेम होगी, आम आदमी पार्टी थर्ड टाइम दोस्तों आ जाएगी आतिशी के अंदर। तो अब दोस्तों लोगों ने मुझे एक नाम बताया कि अगर दिल्ली में इनको घोषित कर दिया जाए सीएम के लिए दोस्तों, सीएम फेज के लिए घोषित कर दिया जाए, फीमेल भी है, पढ़ी लिखी भी है, लॉयर भी है दोस्तों, और दोस्तों लेजेंडरी जो थी हमारी नेता सुषमा स्वराज जी दोस्तों, उनकी बेटी भी है दोस्तों, लेजेंडरी नेता थी, बहुत बहुत बड़ी वक्ता थी दोस्तों, मैं पर्सनली दोस्तों उनका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। तो उनकी दोस्तों ये बेटी है, नई दिल्ली से दोस्तों इस समय एमपी है, सांसद का चुनाव दोस्तों जीत चुकी है। तो ये क्या आतिशी मारिना का दोस्तों मुकाबला कर सकती है अगर बीजेपी दोस्तों इनको घोषित करे? तो अगर आपके माइंड में भी कोई और कैंडिडेट हो तो हम बताइएगा मुझे, अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, दोस्तों हम लोग कंपेयर करके चलेंगे आतिशी मारिना के साथ। तो सेल्फ और बताया प्रतिभा ने आपको दोस्तों मीन दोस्तों, चंद्र लगन और सूर्य लगन दोस्तों दोनों धनु, दोस्तों सूर्य भी नंबर 9 में, चंद्र में दोस्तों नंबर 9 में दोस्तों, लगन 12 नंबर दोस्तों, यानी कि जुपिटर जो है दोस्तों ट्रिपल असेंडेंट हो गया, सेल्फ का भी लॉर्ड हो गया, लगन का भी दोस्तों, दोनों राशियों का भी लॉर्ड हो गया, और सबसे बड़ी बात दोस्तों राशियों का लॉर्ड होने के बाद दोस्तों ये प्लेस हो गया आपके अपने ही सत्ता वाले घर में, अपनी ही राशि के अंदर। तो दोस्तों इसका जो इफेक्ट जा रहा है 4th हाउस में इफेक्ट, यानी कि जनता, यानी कि दोस्तों जनता के लिए, जनता के बीच में दोस्तों ये बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाली है। तो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा, एमपी बन गए दोस्तों, बहुत बड़ा दोस्तों यहाँ पे आप मान के चलिए कितना बड़ा दोस्तों पॉपुलैरिटी होगी इनके साथ। दोस्तों 4th हाउस मम्मी का भी होता है, यानी कि मॉम का, आपके माता जी का, तो 4th हाउस देखिए जनता और दोस्तों मम्मी का हो सेम ही होता है। तो 4th हाउस में दोस्तों आप इम्पैक्ट देखिए, बुध अपने ही राशि को देख रहे हैं दोस्तों, गुरु जो कि ट्रिपल असेंडेंट है अपने ही साइन को देख रहे हैं दोस्तों, गुरु चंद्रमा गज के त्रियोग बना के अपने ही साइन को देख रहे हैं दोस्तों, सूर्य जो कि दोस्तों सत्ता का ही कारक होता है, सूर्य दोस्तों जो कि पॉपुलैरिटी नेम एंड फेम भी होता है, तो मम्मी वाले घर को देखे दोस्तों, यहाँ से हमें साफ क्लैरिटी मिल जाती है कि मदर इनके एक बहुत बड़ी शख्सियत रह चुकी है, बहुत बड़ी दोस्तों पॉपुलर फिगर रह चुकी है, उससे लेजेंडरी फिगर रह चुकी है। तो हमें 4th हाउस दोस्तों यहाँ पे समझ में आता है। तो दोस्तों जनता वाला पार्ट कितना स्ट्रांग है, और दोस्तों रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कुंडली है जिसमें एक ही ग्रह दोस्तों तीनों लग्नों का लॉर्ड बन गया दोस्तों। तो इसमें मुझे एक हमेशा एक एग्जाम्पल याद में आता है, शरद पवार साहब दोस्तों, दोस्तों उनका मंगल जो है वो ट्रिपल असेंडेंट है दोस्तों, चंद्र राशि का भी लॉर्ड, सूर्य राशि का भी लॉर्ड दोस्तों, लगन का भी लॉर्ड, अपने ही साइन को देख रहा है दोस्तों, एग्जैक्टली दोस्तों सेम कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा लेजेंडरी कॉम्बिनेशन दोस्तों बन जाता है, आइकॉनिक दोस्तों कॉम्बिनेशन बन जाता है, स्पेशली तब जो ग्रह अपनी ही राशि में प्लेस हो, चंद्रमा दोस्तों जो कि यहाँ पे दोस्तों किस्मत दोस्तों इसको लक भी कह सकते हैं हम लोग, 5th हाउस दोस्तों लक दोस्तों, चंद्रमा 5th का लॉर्ड दोस्तों वो भी साथ में जुड़ के है, तो लक को भी कहीं ना कहीं ऊपर लेके जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों जनता वाला हम लोगों ने देख लिया घर कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, सत्ता वाले दोस्तों हम लोगों ने घर देख लिया कितना ज्यादा स्ट्रांग हो गया दोस्तों। दोस्तों शनि जो कि यहाँ पे 11th और 12th गेंद का भी लॉर्ड है दोस्तों, 12th का भी लॉर्ड है,
ट्वेल्थ का नोट 211,000 में विपरीत रहा, जो वो साथ में क्या हो गया, एग्जॉल्टेड भी आ गया दोस्तों। दोस्तों मंगल भी अपने ही साइन को देख रहे हैं, बुध दोस्तों अपने साइन को देख रहे हैं, दोस्तों गुरु अपनी राशि में प्लेस गए। तो आप दोस्तों देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पे, और हाँ दोस्तों शुक्र जो कि वृश्चिक राशि में दोस्तों वो भी अपने ही साइन को देख रहे हैं। दोस्तों अधिकतर ग्रह या तो अपने साइन को देख रहे हैं, एग्जॉल्टेड है, अपने साइन की पोजिशन है, तो बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। तो हमें समझ में आ गया दोस्तों जिस तरह से बोलती है, इनमें उनकी अपनी मम्मी की झलक आपको नजर आ जाएगी। जब दोस्तों ये प्रवक्ता बन के भी आती है पार्टी के, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं बहुत क्लैरिटी के साथ, उसको बिना किसी मतलब अमर्यादित भाषा को यूज किए हुए अपना पॉइंट दोस्तों फैक्ट का रख के चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मंगल दोस्तों अपने साइन को देख के, जो कि कम्युनिकेशन को डिनोट करता है, दोस्तों मंगल प्रैक्टिकलिटी को डिनोट करता है, तो अपने साइन को देख के आपकी भाषा को बहुत नकवी तुली और फैक्ट्स वाली दोस्तों भाषा बना के चलता है। मंगल फैक्ट्स को और प्रैक्टिकलिटी को डिनोट करता है। और दोस्तों किसी भी लॉयर के लिए मंगल और शनि का स्ट्रांग होना मस्त है, गुरु का स्ट्रांग होना मस्त है, तो इनकी कुंडली में तीनों के तीनों ही, और जब चाहती तो जजशिप की तैयारी भी कर सकती है, चुगड़ा भी ना जज एज वेल, तो काफी स्ट्रांग कुंडली है दोस्तों। अब दोस्तों दिल्ली को हम लोग जरा देख के चलते हैं इनके कुंडली में दशा बाय दशा। चलिए ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो चलिए फ्रेंड्स जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो फोन उठाइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम दशाओं पे आ जाते हैं। आप हमेशा बोलते हैं कि दशाएं और गोचर बहुत मैटर करते हैं, तो राहु की दशा है महादशा, जो कि 24 जून 2018 को स्टार्ट हुई थी और 23 जून 2036 तक चलेगी, 18 साल की महादशा। तो ये दशा कैसी रहेगी, कैसी है इनके लिए, थर्ड हाउस की दशा है। दोस्तों देखिए राहु की महादशा अमूमन खराब होती है दोस्तों, अमूमन मैं ये नहीं कह रहा हमेशा खराब होती है अमूमन, बट दोस्तों कहीं किसी किसी हाउस में दोस्तों राहु अच्छा ही काम करके चलते हैं। उसमें दोस्तों एक थर्ड हाउस भी ऐसा है जिसमें राहु की जो प्लेसमेंट रहती है अपनी दशा में दोस्तों अच्छा ही काम करके चलता है। बिकॉज दोस्तों राहु चीजों का इन्फ्लेट करता है, जिस हाउस में बैठे उसके पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को इन्फ्लेट करता है दोस्तों। तो थर्ड हाउस हो गया आपका ट्रैवलिंग का दोस्तों, थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन उठा दी, आपकी सोशल नेटवर्किंग, आपकी पावर दोस्तों उठा दी, आपकी थिंकिंग बढ़ा दी दोस्तों। और दोस्तों यही राहु आपके नाइन्थ हाउस भाग्य को देख के भाग्य को भी इन्फ्लेट करता है, इलेवंथ हाउस इनकम को देख के इनकम को इन्फ्लेट करता चलता है। तो कुल मिलाकर सो राहु की महादशा यहाँ पे थर्ड हाउस की राहु की महादशा नुकसानदायक नहीं होती। और इसी राहु की दशा ने दोस्तों फर्स्ट टाइम दोस्तों उन्होंने चुनाव लड़ा उसको जीतने में इसकी राहु की दोस्तों दशा की बहुत बड़ा दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं मान के लिए रोल था। तो सेम राहु आज की डेट में दोस्तों अगर हम गोचर की बात करें दोस्तों इनके फर्स्ट हाउस में प्लेस है, तो सेल्फ हाउस में भी राहु ने, और अभी गुरु की राशि के अंदर दोस्तों राहु कभी नेगेटिव होता भी नहीं है, तो फर्स्ट यानी कि सेल्फ के पावर को भी इन्फ्लेट करके चला। तो अगर आपकी भी थर्ड के राहु की दशा, फिफ्थ के राहु की दशा, नाइन्थ के राहु की दशा या इलेवंथ के राहु की दशा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अच्छा ही करेंगे, नेगेटिव भी होंगी बट मोस्टली इसका अच्छा ही ज्यादा प्रभाव आता है। अमूमन जो राहु की दशा नेगेटिव करते हैं वो नहीं करते ज्यादा। चलिए अब हम इस दशा को छोटा कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती है, हमारी वीडियोज अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। चलिए तो हम इसकी अंतरदशा पे आ जाते हैं। राहु में शनि, राहु थर्ड में है और शनि एट में है, थर्ड और एट की दशा और शनि इलेवंथ और ट्वेल्थ का लॉर्ड है, तो ये दशा कैसी रहेगी। 30 जून 2023 को स्टार्ट हुई है, 30 जुलाई 2023 को स्टार्ट हुई है और 5 जून 2026 तक चलेगी, ऑलमोस्ट 3 साल की दशा, तो ये दशा कैसी रहेगी। अब अमूमन होता क्या कि जब राहु में शनि की दशा आती है दोस्तों तो लोग घबरा जाते हैं, और दोस्तों घबराना चाहिए भी, नेगेटिव दशा होती है दोस्तों, बट वो थैंकफुली यहाँ पे अगर हम बांसी स्वराज के नजरिए से बात करें दोस्तों, राहु थर्ड हाउस में पॉजिटिव है, तो शनि देखिए एग्जॉल्टेड पोजिशन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव, ट्वेल्थ का लॉर्ड दोस्तों बनकर एट्थ हाउस में ऑलरेडी विपरीत राज देखिए आपको चल रहा है दोस्तों, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पे। तो साथ में सपोर्ट किसकी मिलेगी, मंगल की, जो कि यहाँ पे भाग्य का लॉर्ड है और अपनी ही राशि को देख रहे हैं, यानी कि ये शनि दशा तो भाग्यशाली दशा बन जाती है इनके लिए। ठीक है, अगर हेल्थ की बात करते हैं तो एक अलग बात है, वो अभी यहाँ पे बात करना वो नहीं करेंगे हम लोग बात, बट अगर हम करियर वाइज बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें दोस्तों, ऑस्पिशियसनेस की बात करके देखें तो एग्जॉल्टेड शनि हमेशा अच्छा ही काम करके चलेगा दोस्तों, कुंडली जैसे भी हो। शनिदेव दोस्तों जब एग्जॉल्टेड होते हैं तो सब कुछ देखे जाते हैं, जैसे शनिदेव जब नेगेटिव होते हैं, नीच के होते हैं, तो बहुत कुछ लेके जाते हैं,
तो केजरीवाल जी की कुंडली में शनिदेव 12th हाउस के अंदर नेगेटिव है, नीच के हैं नंबर एक राशि के अंदर। तो हमने देखा दोस्तों किस तरह उनपे सब इल्जाम लगे और वो जेल भी गए, जेल भी रखे। तो वो भी कब, जब शनि का रेट्रोग्रेशन चल रहा है। तो नेगेटिव शनि यानी कि नीच का शनि दोस्तों बहुत खतरनाक बन जाता है। एग्जॉल्टेड शनि दोस्तों आपको सब कुछ देखा जाता है अगर पॉजिटिव हो तो। दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव भी है, 8th हाउस का शनि दोस्तों वैसे भी अच्छा होता है, एज को बढ़ा के चलता है। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको 12th का लॉर्ड बन के 8th हाउस में विपरीत राजयोग देके चलेगा। तो 11th हाउस गेन, 8th हाउस हिडन गेन। दोस्तों यहाँ पे हिडन गेन, अचानक दोस्तों इनको टिकट मिली तो अचानक से नई दिल्ली से सांसद बन गई। तो ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड दोस्तों सारी चीजें उनके साथ, जिसका दोस्तों इनको बहुत पॉजिटिविटी मिली। दोस्तों यानी कि शनि की दशा यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा काम करके चल। चलिए इस दशा को हम और छोटा कर लेते हैं, प्रजंतर दशा पे आते हैं। राहु शनि वीनस, मतलब 3rd 8th क्या है वीनस और 9th की दशा, तो ये दशा कैसी रहेगी? 5.5-6.5 महीने की दशा है और इसी बीच दिल्ली के पोल्स अगला ही पढ़ दो, दोनों के बीच में कहीं और इस दशा के बाद वाली दशा, राहु शनि सूर्य, मतलब 3rd 8th और 10th की दशा 27 जनवरी 2025 को स्टार्ट होगी और 20 मार्च 2025 तक चलेगी, ऑलमोस्ट 2.5 महीने की दशा। ये दोनों दशाएं इनके लिए कैसी रहेगी? दोस्तों अब चुनाव होंगे या तो जनवरी में होंगे लास्ट में, दोस्तों जब तक वीनस के या फरवरी स्टार्टिंग में, यानी कि दोनों दशाओं के बीच में दोस्तों चुनाव होने वाले हैं। दोस्तों राहु शनि हम लोगों ने पॉजिटिव देख लिया। दोस्तों एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, देखिए दोस्तों शनि यहाँ पे एग्जॉल्टेड, देखिए 1 2 3 दोस्तों 3rd एस्पेक्ट इसका गया सत्ता वाले घर पे, यानी कि एग्जॉल्टेड शनि सत्ता वाले घर पे जा रहे हैं दोस्तों गेंद का लॉर्ड बनके, तो आपको कुर्सी दे दी, आपको सांसद बना दिया। दोस्तों मुझे लगता है अब इनकी जर्नी बहुत लंबी पड़ी हुई आगे। दोस्तों अब राहु हो गया, दोस्तों शनि होगा वीनस। दोस्तों देखिए वीनस यहाँ पे जो मीन लगन दोस्तों होगा वीनस का, वो दोस्तों बनता है वीनस का एग्जॉल्टेड साइन, तो थोड़ा वीनस यहाँ पे पॉजिटिव होता है। दोस्तों कहाँ प्लेस गए, अब 9th हाउस के अंदर। दोस्तों वो 9th हाउस जो भाग्य को डिनोट करता है, अपने ही साइन को देखता है दोस्तों, यानी कि और ज्यादा पॉजिटिव हो गया, आपके सेल्फ की पावर आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाया। दोस्तों राहु यहाँ पे आने की वजह से इसकी जो इसका जो लक वाली बात है, इसकी जो सेल्फ की जो बात है उसको और इंटेंशन मिली और दोस्तों बढ़ गया, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि वीनस की दशा दोस्तों पॉजिटिव रहने वाली है। अगर इस चुनाव के इस टाइम पे भी दोस्तों अगर हो तो इनका जीतने की पॉसिबिलिटी या इनके दोस्तों आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत, तो बीजेपी दोस्तों रन मतलब दौड़ में आ सकती है, बीजेपी का वाइप आउट नहीं होगा तो वो दौड़ में आ सकती है। अगर इसके बाद भी अगर चुनाव होते हैं, जब दोस्तों सूर्य की दशा आ जाती है, इन दोनों के बीच में भी होते हैं, तो सूर्य आप यहाँ पे देखिए 6th का लॉर्ड है दोस्तों, ठीक है आपके कॉम्पिटिशन को डिनोट करते हैं, लेकिन दोस्तों 10th हाउस में प्लेस है, दोस्तों ट्रिपल गुरु के साथ प्लेस है, चंद्रमा जो कि यहाँ पे दोस्तों भाग्य का लॉर्ड है उसके साथ प्लेस है, बुध जो कि जनता का लॉर्ड है उसके साथ प्लेस है, यानी कि भाग्य का साथ, सेल्फ का साथ और उसको जनता का साथ। तो ये वाली दशा भी अगर हम लोग देखते चले दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी के लिए दोस्तों बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है, आतिशी मार लेने के लिए दोस्तों बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है, अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकती है। अगर नहीं भी जीतती दोस्तों, तब हम एक बार कुंडली बनाएंगे जब एग्जैक्ट डेट आ जाएगी हमारे पास न्यूमेरिकल भी, अगर नहीं भी जीत पाएंगे दोस्तों तो बीजेपी की जीत को बड़ा कर देंगे, बीजेपी को आगे लेके जाएंगे और आम आदमी की जीत को कम कर देंगे, उनकी सीटें बहुत हद तक काट देंगे दोस्तों। अगर बीजेपी दोस्तों 2-4 दिन का बना के चले, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था, मैसेज भी किए थे, तो हम लोग मान के चल सकते हैं बीजेपी दौड़ में अच्छे तरीके से आ जाएगी, सीरियस कंटेंडर बन जाएगी दोस्तों दिल्ली के अंदर। अगर फिर से दोस्तों मैं कह रहा हूँ, अगर वो किसी और को घोषित करते हैं, नहीं घोषित करते मान लीजिए किसी को, मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं बिना सीएम के पैसे आते हैं, दोस्तों बीजेपी दौड़ में नहीं है, तो दोस्तों बीजेपी दूर दूर तक दौड़ में नहीं है। अगर ये आ जाएगी दोस्तों बागजी स्वराज आ जाएंगी, तो फिर तो दोस्तों कहना है क्या, बीजेपी कंटेंशन में भी आएगी और बीजेपी सीरियस कंटेंडर बन जाएगी दोस्तों। बहुत अच्छा टाइम है दोस्तों इनका, तो बाकी पार्टी क्या डिसाइड करेगी उसको हम लोग देखते हैं आगे चलते हुए। चलिए फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रेडिक्शन दे दी, इनका टाइम बहुत अच्छा है, तो अगर ये आती है तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर फिर भी किसी के क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं। अब कौन सी वीडियो, गुरु की वीडियो दोस्तों? हाँ, हमारी गुरु की 3 वीडियो आएंगी, 4x3 4 राशियों के दोस्तों 3 वीडियो हम लोग बना के चलेंगे, देखिएगा दोस्तों, जो कि बहुत बड़ा चेंज है। अगर आप चाहें तो पर्सनली भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं गुरु की वीडियो पर। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, दोस्तों टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।